हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फायरमैन टेक। ये वीडियो जो है फ्रेशर्स और बिगिनर्स के लिए है, जो फायर अलार्म के लिए एक जोन कंट्रोल वाले फायर फाइटिंग का जोन कंट्रोल वाल जो बटरफ्लाई वाल है उसको कैसा कनेक्ट कर सकते हैं, जो इंडिकेशन नहीं है और उसके साथ कोई आपको लेबलिंग नहीं है, तो हम लोग इसमें कैसा कनेक्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट जो है ना जोन कंट्रोल वाल बंद करना चाहिए, उसके बाद इसमें जो है 6 या 8 केबल आते हैं सेम के, 2-3 सेट आ जाते हैं सेम कलर के, उसके बाद एक केबल रहता है कॉमन रहता है। इसमें जो है जोन कंट्रोल वाल्व बंद करने के बाद कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है। ओके, उसी को याद रख ले के जोन कंट्रोल वाल्व ओपन करना चाहिए, उसके बाद चेक करना चाहिए कि उसमें नॉर्मली ओपन हो रहा है या नहीं है। अगर से नॉर्मली ओपन हो गया है तो कनेक्शन आपको देना चाहिए। और क्या है, ये जो बटरफ्लाई वाल है जोन कंट्रोल वाल है, इसको BMS के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे कनेक्शन के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग जोन कंट्रोल वाल को इजी वे में कर सकते हैं। इसके जो कुछ एक्सिलरी पावर सप्लाई का भी है, इसमें जो सुपरवाइजरी टाइप का भी है, उसका मैं पिक्चर इसके साथ जोड़ दूँगा और क्लियर से दूसरा वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक मेरे पास एक छोटा सा वीडियो था, मैं इसलिए बना रहा हूँ। ये देखिए एक्सिलरेटर स्विच कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है सुपरवाइजर स्विच, मोस्ट ऑफ जो है ना सुपरवाइजर यूज़ करते हैं।